सुपर सैटरडे में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का 39वां मुकाबला ईडन गार्डन में शुरू हुआ। मुकाबले के शुरू होने से पहले मैच के दौरान बारिश आई। आपको बता दें कि इस दौरान टॉस और साथ ही मैच को शुरू करने में देरी हुई। लगभग 45 मिनट की देरी के बाद ईडन गार्डन में कवर्स को हटाने के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई। मुकाबले की बात करें तो गुजरात टाइटंस के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और कोलकाता को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। अपने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत काफ़ी खराब रही। नारायण जगदीशन और रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी टीम के लिए ओपनिंग करने उतरी, लेकिन तीसरे ओवर तक ही नारायण जगदीशन का विकेट टीम ने गंवा दिया। मोहम्मद शमी ने एक शानदार गेंदबाजी के साथ नारायण जगदीशन को LPW किया और पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद लगा कि नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, लेकिन हुआ कुछ उलट। आपको बता दें कि कोलकाता के कप्तान की तरफ से प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। टीम ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा। शार्दुल ठाकुर यूं तो गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में गुजरात के खिलाफ नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दरअसल आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने इस दौरान 4 गेंदों का सामना किया और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। साथ ही मोहम्मद शमी की गेंद पर हवा में शॉट को मारने के चक्कर में मोहित शर्मा को एक कैच थमा बैठे। इस दौरान मोहित शर्मा की कैच बड़ी शानदार रही। मोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने पीछे की ओर भागते हुए एक डाइव मारी और एक शानदार कैच को लपका और इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर को पवेलियन वापस भेज दिया। शार्दुल ठाकुर इस दौरान डक पर आउट हुए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए, यानी कि नीतीश राणा का उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी पर भेजने का जो डिसीजन था वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। शार्दुल ठाकुर को नंबर 3 पर भेजे जाने के बाद फैंस भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहे और लगातार शार्दुल ठाकुर को लेकर कमेंट हुए। बहरहाल आपकी जो कुछ राय है नीतीश राणा के इस डिसीजन को लेकर, साथ ही मोहित शर्मा के द्वारा इस शानदार अविश्वसनीय कैच को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।